हाँ हेलो दोस्तों, मैं हूँ मेरू खान। स्वागत है मेरे चैनल सोना 3D होम डिज़ाइन में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिज़ाइन के बारे में, जो कि देख सकते हैं ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का है। ठीक है, सामने यहाँ पे गेट है, एक किचन रूम हो जाएगा, यहाँ पे स्टेयर है। ठीक है, तो आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इसका मैं पहले 3D में आपको बता देता हूँ डिटेल इसका, और उसके बाद फिर इसका नक्शा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक देखिएगा तो पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसका 3D डिज़ाइन दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका 3D डिज़ाइन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो है सीढ़ी, पहले मैं आपको नीचे से बता देता हूँ। ठीक है, इसका पहले नीचे देख सकते हैं कि नीचे जो है ग्राउंड फ्लोर में यहाँ पे देख सकते हैं मेन गेट हो गया, यहाँ से चढ़ने के लिए स्टेयर है। ठीक है, उसके बाद साइड में गाइस जो डिज़ाइन है यहाँ पे देख सकते हैं ब्रिक वर्क का काम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये जो ब्रिक वर्क होगा गाइस ये चारों साइड से हो जाएगा, बीच में खाली रहेगा, तो यहाँ पे प्लास्टर होने के बाद स्टील का पाइप वगैरह लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चलते हैं गाइस साइड में इसका किचन के रूम के पास। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये छज्जा निकला हुआ है, इसको मिनिमम आप 15 इंची निकाल सकते हैं और 10 इंची का जो है ब्रिक वर्क निकाल सकते हैं। ईटा का काम हो जाएगा चारों साइड से, और ये हमारा प्लास्टर में ये तीन डिज़ाइन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद गाइस साइड में चलते हैं तो यहाँ पे सीढ़ी रूम है, तो सीढ़ी रूम के पास यहाँ पे 5 इंची या 6 इंची ऐसे निकाल देना है इसको। ठीक है, कि ऐसे तो ग्लास रेलिंग लगा हुआ रहेगा, बट इसको छज्जा के लिए आप 10 इंची या 6 इंच ऐसे निकाल सकते हैं, तो आपके ऊपर है कितना निकालना है। 10 इंची मेरे ख्याल से 10 इंची ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, RCC कर देने से। और उसके बाद यहाँ पे गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरा हमारा ब्रिक वर्क होगा। ये हमारा पहले जैसे छत ढलाई हो गया ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का, छत ढलाई होने के बाद क्या होगा, यहाँ से नीचे से छत से ही 10 इंची का यहाँ पे 15 इंची इसको निकाल देना है ब्रिक वर्क एकदम। 10 इंची कंटिन्यू यहाँ पे जो है, मतलब कि 15 इंची यहाँ पे कंटिन्यू छत पे चले जाएगा, 15 इंच निकलेगा बाहर, 15 इंच और 10 इंची का जो है चौड़ाई होगा इसका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऊपर का बालकोनी भी देख सकते हैं गाइस। यहाँ पे हम आपको इसका 3D घुमा के दिखाते हैं, तो बालकोनी में यहाँ पे छज्जा आ जाएगा जो कि बिटिंग वगैरह भी निकलेगा, जैसे 3 इंची फिर 3 इंची फिर ऐसे 3 इंची कर्व टाइप में थोड़ा सा निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे रेलिंग में क्या होगा कि ब्रिक वर्क का काम हो गया और शीशा मैंने लगाया है, तो शीशा ना लगा करके आप पाइप भी लगा सकते हैं स्टील का। और गाइस यहाँ जो साइड में है, जैसे छत ढलाई हो जाएगा, छत ढलाई होने के बाद क्या करना है यहाँ पर कि RCC ना करके आप इसको ब्रिक वर्क में कर दीजिए। ठीक है, 10 इंची का ब्रिक वर्क और बीच में खाली रहेगा जो कि 3 इंची का प्लास्टर, 2 इंची का प्लास्टर करके और पाइप लगा दीजिए स्टील का। ठीक है, ये सबसे आसान है। और उसके बाद इसका साइड पर जाते हैं थोड़ा सा, तो साइड पर गाइस क्या है कि यहाँ पर देखिए इस चीज इस जगह में इस साइड से मैं दिखाता हूँ कि यहाँ देखिए ईटा का पूरा काम होगा, ये भी ईटा का काम होगा हमारा। ठीक है, और यहाँ पे पाइप लग जाएगा एक 4 इंची का 4 इंची का, और ये सेम मतलब कि रेलिंग हो जाएगा ब्रिक वर्क, शीशा का ग्लास, और इस जगह पे जो है गाइज ईटा का ही काम हो जाएगा, और यहाँ पे रेलिंग में भी ईटा का काम हो जाएगा जो कि छत पर भी देख सकते हैं, ये पाइप वगैरह आ जाएगा, और इस हिसाब से आपका डिज़ाइन पूरा कम्प्लीट हो जाएगा। मान लीजिए इसको अगर आप 15 इंची ले रहे हैं तो उसके बाद यहाँ पे आप पाइप ले सकते हैं, 3-3 इंच का पाइप 4 ठो दे सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा पूरा प्लास्टर वगैरह में डिज़ाइन हो जाएगा ब्रिक वर्क में। ठीक है, जैसे कि 5 इंची का ईटा अंदर से जोड़ दिए, जैसे पूरा 10 इंची है। ठीक है, तो इसको इस एरिया में 5 इंची ही अंदर से जोड़ना है, 5 इंची खाली दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस हिसाब से डिज़ाइन हो गया। ठीक है, 3D आउटर लुक डिज़ाइन। और चलिए मैं आपको इसका मैं नक्शा बताता हूँ कि नक्शा कैसा है इसका। तो सामने तो गाइस इसका रोड है, पर प्लॉट इसका काफ़ी टेढ़ा है, तो चलिए नक्शा मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ग्राउंड फ्लोर का नक्शा है, ठीक है, 26 फीट है, उसके बाद है इधर 26 फीट। ठीक है, और जो सामने है गाइस वो है थोड़ा टेढ़ा है, ये जो डॉटेड लाइन है ये टेढ़ा एरिया है, जो कि 11 फीट 10 इंच बाय 9 फीट 7 इंच टेढ़ा है, थोड़ा ऐसे करके टेढ़ा है प्लॉट। ठीक है, तो यहाँ पे मेन एंट्री हो जाएगा। ठीक है, एक लिविंग एरिया में आ जाएंगे हम, जो कि लिविंग एरिया का साइज होगा 18 फीट 8 इंच बाय 8 फीट 11 इंच। उसके बाद एक बेडरूम हो जाएगा गाइस, यहाँ से गेट खोलने के बाद बेडरूम हो जाएगा 10 बाय 11 का। एक कॉमन टॉयलेट हो जाएगा 4 फीट 5 इंच बाय 8 फीट का टॉयलेट कम बाथरूम, एंड एक किचन हो जाएगा यहीं से हमारा 6 फीट 3 इंच बाय 10 फीट 1 इंच का। ठीक है, और जो गाइस यहाँ पे स्टेयर, हम यहाँ से ऊपर आएंगे, यहाँ से जब हम ऊपर आएंगे तो ये हमारा 7 इंची का हाइट रहेगा इसका। ठीक है, उसके बाद 10 इंची का जो होता है पैर रखने के लिए वो कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा कंटिन्यू ऊपर चले आएगा। ठीक है, अब चलिए इसका मैं फर्स्ट फ्लोर का दिखाता हूँ। तो फर्स्ट फ्लोर में गाइस जब हम ऊपर यहाँ से जब ऊपर आएंगे, अप होकर के जब ऊपर आएंगे, तो एक बेडरूम हो जाएगा 10 बाय 11 का, उसके बाद एक बेडरूम हो जाएगा फिर 10 बाय 10 का। ठीक है, ऊपर में 2 बेडरूम हो जाएगा, एक कॉमन टॉयलेट हो जाएगा, एक तो नीचे हम दे रहे हैं, एक ऊपर भी दे रहे हैं टॉयलेट का बाथरूम नहाने के लिए, जो कि 6 फीट 3 इंच बाय 6 फीट 1 इंच का है। ठीक है, उसके बाद एक सामने में बालकोनी हो जाएगा, एक साइड में बालकोनी हो जाएगा जो कि 13 फीट 1 इंच बाय 3 फीट 9 इंच का है, और प्लॉट देख सकते हैं काफ़ी टेढ़ा है इसका थोड़ा सा, उसी हिसाब से हमने नक्शा बनाया है। ठीक है,
पूरा 26x26 का नहीं है, बट इधर टेढ़ा है, इधर छोटा एरिया पड़ जा रहा है, इसलिए उस हिसाब से हमने इसका नक्शा बनाया है। तो उस हिसाब से आप इसका 3D भी डिज़ाइन देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और मैं आपके लिए ऐसा ही 3D डिज़ाइन लाता ही रहता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।